बुलंदशहर में एडीजे कोर्ट ने 78 दिन में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुलंदशहर में 78 दिन में हत्यारे अदनान उर्फ बबलू को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। फास्टैग कोर्ट के दो एडीजीसी ने बताया कि 13 दिन की वर्किंग डे में आजीवन कारावास और 50,000 का अर्थदंड की सुना सुनाई गई है। सजा के बाद नहीं है अदनान के चेहरे पर कोई अफसोस। आसमा के कातिल का इकबाल नामा सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। कत्ल करके कातिल को कोई पछतावा नहीं था। बेशर्मी से सुना रहा था कत्ल की कहानी। हत्यारा बोला, प्यार में धोखा देने पर रेत दिया आसमा का गला। शादीशुदा आसमा से अदनान के थे अवैध संबंध। चरित्र पर शक चलते अदनान ने रेता था गला। अदनान बोला, खलनायक फिल्म देखकर बना था। बल्लू बलराम बोला, प्यार दोस्ती में धोखा देने वालों को कत्ल करने से कोई गुरेज नहीं है। खुर्जा में हुई थी आसमा के कत्ल की वारदात। खीर खानी के कब्रिस्तान में मिला था सब। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। सर, एक मर्डर में आज एक सजा सुनाई गई है, क्या है सर पूरा मामला? ये 11 जून को थाना खुर्जा नगर में एक अदनान नाम के व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी और उसने ये बताया था कि वो इस घटना के पीछे खलनायक मूवी से प्रेरित हुआ था और उसमें कैरेक्टर है बल्लू, उसके तरह ही वो अपनी वेशभूषा रखता था और इसी प्रकार का उसने बयान भी दिया था। इस जघन्य घटना पे विवेचना मात्र 9 दिवस में पूरी करते हुए चार्जशीट माननीय न्यायालय भेजी गई और FTC जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है नंबर 2, इसमें इस पूरे प्रकरण का प्रसंज्ञान लिया गया और माननीय न्यायालय द्वारा मात्र 13 कार्य दिवस में इस पूरे प्रकरण का ट्रायल किया गया, जिसमें कि आज अभियुक्त अदनान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ 50,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण में FIR से लेकर सजा तक में मात्र 78 दिन लगे हैं और इसमें जो लोग अहम भूमिका में थे वह सर्वप्रथम जो इस प्रकरण में विवेचक थे निरीक्षक अजय कुमार, जो तत्कालीन खुर्जा नगर के थाना प्रभारी थे। इसमें दो एडीजीसी साहब थे विजय शर्मा जी और कुश कुमार जी, इन लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सारे साक्ष्य के आधार पर बहुत ही उम्दा इन लोगों ने पैरवी करते हुए ये सजा की ओर इस केस को मोड़ा। साथ ही साथ जो थाने के पैरोकार हैं सुनील कुमार, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग SPRA द्वारा की जा रही थी, वह निरंतर इस केस की पैरवी की जा रही थी। इस प्रकरण को DGP साहब द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कन्विक्शन में चिन्हित किया गया था और इतनी अल्प अवधि में हत्या के केस में सजा ये बुलंदशहर का ये संभवतः प्रथम केस है जो कि इतनी कम अवधि में एक हत्या आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें जो लोग भी इस सजा कराने में जिनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। आज एक युवक को सजा हुई है, क्या है पूरा मामला? ये घटना घटी थी थाना खुर्जा नगर में 11 जून 2024 को। एक एक्यूज्ड है अदनान उर्फ बल्लू। इसने एक आसमा नाम की महिला को अपने वहीं कब्रिस्तान में ले जाकर उसका चाकू से, धारदार चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। आज उसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। क्या अर्थदंड दिया गया है और कितने दिनों में ये सजा हुई है? ये मुकदमा लिखा गया था 11 जून 2024 को, माननीय न्यायालय में 30 जुलाई 2024 को चार्ज बनाया गया। टोटल 13 वर्किंग डे में एक्यूज्ड अदनान को आजीवन कारावास की माननीय न्यायालय के मर्डर द्वारा जैसे मामले में सजा सुनाई। कहीं ना कहीं क्या साक्ष्य ऐसे मिले थे जिससे इसे सजा सुनाई? साक्ष्य में इसमें एक्यूज जब ये इसको गिरफ्तार किया था पुलिस ने तो इसने कन्फेस किया था, इसको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था इसका पूरा, और इसने घटना को एक्सेप्ट भी किया है। और इसने जिसे छुरी से इसने जो मतलब आला कत्ल आला कत्ल की इसकी निशानी बरामद बरामद हुआ। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट गवाह थी
वहीदन ने इस घटना को होते हुए देखा था। आई विटनेस थी इस मुकदमे की, न्यायालय में उसको पेश किया गया, उसने घटना को साबित किया पूरी तरह से। उसने जिस समय उसकी गला काटकर हत्या कर रहा था तो वहीदन वहाँ मौके पर थी, तो खून को देखकर वहाँ से वो भाग गई, उसने घटना को होते हुए देखा।